हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट टू, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, तो आज का वीडियो अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ में, अच्छे से फोकस के साथ में देखा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, बस आपका काम होगा फोकस के साथ में व्हाइट बोर्ड पर एंड तक देखना। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहां पर दो डायग्राम मैंने बनाए हैं, एक है ऑर्बिट और दूसरा है ऑर्बिटल। अब देखिए, जो ऑर्बिट का डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको याद होगा अगर आपने मेरा बोर्स एटॉमिक मॉडल वाला जो वीडियो है वो देखा होगा, तो है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने कुछ इसी तरह से डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाया था, है ना। तो अगर बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो और ये वीडियो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, उसकी वीडियो, उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से देखना है हमें। देखिए, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है, इनको कहते हैं ऑर्बिट, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल पाथ होता है, एक फिक्स्ड स्फेरिकल पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, जो भी आप बोल दें, है ना। तो इस स्फेरिकल पाथ को, इस फिक्स्ड स्फेरिकल पाथ को ही कहा जाता है ऑर्बिट, है ना। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारा जो, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सन के अराउंड जिस तरह से एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर घूमती है, रिवॉल्व करती है, सिमिलरली यहां पर भी यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, मोशन करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड। तो इस सर्कुलर पाथ को ही कहा जाता है ऑर्बिट। क्लियर है। अब यहां पर जो ऑर्बिट है, देखिए, सबसे न्यूक्लियस के जो पास में है उसको के नाम दिया गया है, फिर न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर एल, फिर एम, फिर एन। अगर डिजिट में, नंबर में देखें तो के को हम 1 भी लिख सकते हैं, एल को 2, एम को 3 और एन को हम 4 भी लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई ऑर्बिट की। ठीक है, और ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्स कॉन्सेप्ट पर आधारित है, बोर्स एटॉमिक मॉडल पर बेस है। ठीक है, अब यहां पर ऑर्बिटल में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, ऑर्बिटल का मतलब यहां पर आप डायग्राम में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, यहां पर कुछ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, थ्री डायमेंशनल। तो जो ऑर्बिटल है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं थ्री डायमेंशनल स्पेस से होता है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल एरिया से होता है। तो ऐसा थ्री डायमेंशनल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उस 3D एरिया को ही ऑर्बिटल नाम दिया गया है, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं डेफिनेशन, ऐसा थ्री डायमेंशनल एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, तो उस 3D एरिया को, उस थ्री डायमेंशनल एरिया को ही ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशनल एरिया से रिलेट करता है ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक बात, ये एक डिफरेंस ये भी है कि ऑर्बिट जो होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, है ना, स्फेरिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बट जो ऑर्बिटल है वो सभी के सभी एक जैसे नहीं होते हैं। एस ऑर्बिटल जो है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप में होता है, डंबल शेप में होता है। इसके अलावा जो डी ऑर्बिटल है वो डबल डंबल में होता है। ठीक है, डबल डंबल शेप में। ठीक है, तो यहां पर एस स्फेरिकल होता है, पी डंबल शेप में होता है, डी डबल डंबल शेप में होता है, और एफ की जो शेप है वो हम यहां पर नहीं बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वो। ठीक है, तो एस स्फेरिकल, पी डंबल, डी डबल डंबल शेप में होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट जो है सभी के सभी सर्कुलर होते हैं, और जो ऑर्बिटल है उनका शेप अलग अलग होता है।
क्लियर हुई है बात। अब एक बात यह है कि एक ऑर्बिट के अंदर जो के है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एम में कितने, एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना। और ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब 2n² से क्या मतलब, जैसे कि n यहां पर लिखा है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं n का मतलब क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब अगर हम n की जगह 2 ले लें, ठीक है, n की जगह हम 2 रख दे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की जगह 2 रखना है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 टू जा 4, तो 4 टू जा 8, यानी कि यहां पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर n की जगह हम 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 टू जा 9 हो जाएगा, तो 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, कम भले ही हो ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 में कितने हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहां पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसकी जो थ्योरी है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम देख लेते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस जो है उसकी थ्योरी, है ना। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, स्फेरिकल पाथ आउटसाइड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, है ना। मैंने डेफिनेशन आपको पहले भी क्लियर कर दी है विद डायग्राम, ठीक है, तो इसको मुझे आई होप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 3D एरिया इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसे कहा जाता है, उस 3-डायमेंशनल एरिया को कहा जाता है ऑर्बिटल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, शोज प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को शो करता है ऑर्बिट, है ना, इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को शो करता है ऑर्बिट। और यहां पर लिखा है शोज 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को, 3-डायमेंशनल मोशन को शो करता है ऑर्बिटल, है ना। 3-डायमेंशनल कैसे है ये हमने पहले डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, है ना, सभी के सभी ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। हमने पढ़ा है के एल एम और एन, है ना, चारों जो ऑर्बिट थे डायग्राम में वो सब के सब सर्कुलर थे, है ना, स्फेरिकल थे साइज शेप में, ठीक है। यहां पर थर्ड पॉइंट लिखा है, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, एस और एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल, ठीक है, और एफ का होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, हम उसको प्लेन पर नहीं बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिटल का जो शेप है वो अलग अलग होता है, फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल शेप होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्बिट जो होते हैं वो सभी के सभी सर्कुलर होते हैं, ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप में होते हैं। नेक्स्ट है, इन एनी ऑर्बिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n², ठीक है, 2n², 2 है ऊपर, ठीक है, तो 2n² होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 2n², है ना। अब यहां पर जो n लिखा है इसका मतलब क्या है, लिखा है वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, है ना। अब 2n² कैसे, जैसे कि अगर n की जगह हम 1 ले लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है, 1 है, तो 2 इंटू 1² हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर n की जगह हम 2 ले लेते हैं तो 2 इंटू 2² हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू जा 4, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 है अगर
और वन ऑर्बिट है तो वहां पर टू इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड वाला ऑर्बिट है तो वहां पर एट इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर थ्री है एन की जगह हम थ्री ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री स्क्वायर, तो टू इंटू थ्री टू जा नाइन, तो टोटल कितने 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2, 8, 18, 32 है ना, 2, 8, 18, 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के एल एम और एन ऑर्बिट्स में। क्लियर हुआ 2n स्क्वायर किस तरह से है। अब यहां पर क्या लिखा है, ऑर्बिटल में इन एनी ऑर्बिटल देयर आर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी ऑर्बिटल के अंदर। जैसे कि हमारे पास s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल में हम इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स को फील कर सकते हैं, है ना। अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में हम इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स को फील कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पर 6 है पर एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, है ना, तो एक ऑर्बिटल में हम सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी एक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, और ऑर्बिट के अंदर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है ना, वहां पर लिमिटेशंस भी हमने देखी थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जा सकते हैं, वहां पर लिंक मिल जाएगी आपको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो ऑर्बिट की ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर, और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे बेस नहीं है, है ना, लिखा है नॉट बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, एक और डिफरेंस है इसमें, सिक्स्थ वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, सभी के सभी ऑर्बिट्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बट जो ऑर्बिटल है उसमें एस ऑर्बिटल को छोड़ करके जितने भी ऑर्बिटल होते हैं पी डी एंड एफ सभी के सभी डायरेक्शनल होते हैं, है ना, एस ऑर्बिटल को छोड़कर सभी के सभी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, और यहां पर जो ऑर्बिट है वो सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा आप। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुका।